अच्छा जी, हम बेसिकली इस सी पे थे, सी या वॉशकॉप में। आप बता रहा था कि ये भी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर है, और ये भी एक ऐसा सी है जो जापान और रशिया के बीच में है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैप को अब जब आप बार बार देखेंगे तभी आप लोगों को समझ आएंगी। ये रहा आपका सी या वॉशकॉप, और ये सी जो है बेसिकली रशिया एंड जापान के बीच में है। इसी तरीके से नीचे सी ऑफ जापान भी है, वो भी, ये भी, क्योंकि यहाँ तक रशिया आता है, ठीक है ना, तो ये भी जापान, इन दोनों के बीच में। तो दो ऐसे सीज हैं, ठीक है, ये दोनों सीज ये आपको रशिया और जापान के बीच में मिलेंगे, इस वजह से ये दोनों मैंने साथ लिख दिए हैं, और ये दोनों वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर है। ओके, हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक तो ये सारे थे पैसिफिक ओशन के सीज। अब हमने जंप करना है एटलांटिक ओशन की तरफ, सॉरी आर्कटिक ओशन की तरफ। अच्छा, आर्कटिक ओशन जो है दुनिया का सबसे छोटा ओशन है। सबसे पहले तो ये बात आपने याद रखनी है कि आर्कटिक ओशन जो है वो दुनिया का सबसे छोटा ओशन है। दूसरा ये कि आर्कटिक ओशन के अंदर आबादी बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम से मतलब के बिल्कुल ना होने के बराबर। उसकी वजह यह है कि आर्कटिक ओशन के अंदर बर्फ बहुत है और आबादी बहुत कम है, और अगर आबादी कम है तो इसकी इम्पोर्टेंस भी कम है। लेकिन यहाँ पे दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, उनके रिसर्च मिशन यहाँ पे हैं। दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सारों के रिसर्च मिशन जो है ना वो यहाँ पे हैं, और नॉर्थ पोल जो है वो भी आर्कटिक ओशन के अंदर है। आई होप के आप सब लोगों को ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको समझ आ रही होंगी। सबसे पहले तो आर्कटिक ओशन के बारे में ये याद रखिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल वो आर्कटिक ओशन के अंदर है। दूसरा, आबादी इसकी सबसे कम है क्योंकि ठंडा बहुत है। तीसरा, दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उनके रिसर्च मिशंस यहाँ पे हैं, ठीक है ना। आप जैसे देख सकते हैं कि यूएसए भी इसको टच करता है, रशिया भी इसको टच करता है, इसी तरीके से फिनलैंड, नॉर्वे, तकरीबन ये सारे डेवलप कंट्रीज हैं, और इन सारे डेवलप कंट्रीज के रिसर्च मिशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे आर्कटिक ओशंस के अंदर। अच्छा, इससे पहले कि हम आर्कटिक ओशन को डीप में चलें, थोड़ा वर्ल्ड मैप की तरफ चलते हैं वापस। ये रहा वर्ल्ड मैप। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि आर्कटिक ओशन वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे है, इधर नॉर्थ पे। तो मतलब पहले तो ये ठंडा होगा बहुत। दूसरा, आर्कटिक ओशन को यहां से रशिया, अमेरिका, ग्रीनलैंड, क्योंकि ये अमेरिका का जो अलास्का का हिस्सा यहाँ पे है ना, ये यहां से भी है क्योंकि दुनिया गोल है, थोड़ा स्मार्ट रहे। तो ये तीन चार कॉन्टिनेंट, तीन कॉन्टिनेंट बेसिकली, दो कॉन्टिनेंट सॉरी, दो कॉन्टिनेंट जो है ना जो इसको टच करते हैं। कौन कौन से? एशिया, एशिया का कौन सा पार्ट? रशिया, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका, ये दो कॉन्टिनेंट। अच्छा, तीसरा कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका भी है, एंटार्क्टिका। ये तीन कॉन्टिनेंट जो है ना वो इसको टच करते हैं, और नक्शे पे आप देख लें कि ये पूरा जो है हमारा, ये जहां तक शेड शेडेड पार्ट है, ये पूरा हमारा जो क्या है, ये है आर्कटिक ओशन। चलेंगे, आई होप कि यहां तक नक्शा क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि आर्कटिक ओशन के कुछ क्विक फैक्ट्स भी होंगे, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे जनाब। आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अभी मैंने आपको बताया ऊपर नॉर्थ में है, ये डिग्रीज लिखी हुई है, 60 डिग्री नॉर्थ, ये कोई आती नहीं है, लेकिन एज अ सच आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा, यूरो एशियन है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ही टच करता है। वही बात कि यूरो एशियन क्यों कहा जाता है, यूरो एशियन इसलिए कहा जाता है कि रशिया टच करता है इसको, और रशिया आधा एशिया में आधा यूरोप में, इस वजह से हम इसको यूरो एशियन कहते हैं। गुड, हो गया। अच्छा, इसके साथ ग्रीनलैंड भी है और दूसरे और छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं, ये थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हम अभी पढ़ रहे थे कि
इसको यूरो एशिया लगता है मतलब रशिया, इसको अमेरिका लगता है, नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए, यहां से नॉर्थ अमेरिका लगता है, इसको ग्रीनलैंड लगता है, ये रहा ग्रीनलैंड, और यहां से यूरोप के, नॉर्दर्न यूरोप के ये कंट्रीज हैं दोनों, फिनलैंड एंड नॉर्वे। अगर आपने यूरोप वाली क्लास पढ़ी होगी तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। तो किस तरीके से आर्कटिक ओशन जो है ना, इस तरीके से पूरा राउंड ऑफ हुआ हुआ है, ऊपर से आप देखें थोड़ा कनाडा इसको लगता है। अच्छा जी, दूसरी आगे चल के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, यूरो एशिया है, नॉर्थ अमेरिका, और ग्रीनलैंड भी इसको सराउंड करता है। दूसरा, आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑन अर्थ, ये आप याद रखिएगा। लैंड मास कितना कवर करता है, 3%। अच्छा, ओशंस की ये चीजें हमने याद रखनी होती है कि ओशंस का मास कितना है, दुनिया को कितना कवर करता है। बाकी ये कॉमन सेंस है कि यहाँ पे बर्फ बहुत है, बहुत ठंडा है। एवरेज डेप्थ क्या है इसकी, 1038 मीटर, ठीक है ना। जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है लिटिक डीप, हर ओशंस का हमने डीपेस्ट पॉइंट भी याद रखना है। ये है सम ब्रीफ और क्विक फैक्ट्स अबाउट आर्कटिक ओशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आर्कटिक ओशन में बहुत कम आबादी है, तो बहुत कम इसके सीज हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक दो हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमने वही कवर करने हैं क्योंकि एग्जाम से भी वही आते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो बेरेंट सी आ जाएगा। देखें, अभी हमने पीछे पड़ा आर्कटिक ओशन देखा था ना, कि उसको नीचे से रशिया लग रहा था और साइड से उसको जनाब आपका अमेरिका भी है ना, ये रशिया रहा, यहाँ से आपको अलास्का आ जाएगा, यहाँ से ग्रीनलैंड। ये बीच में जो जो सी है ये है बेरेंट सी, ये कभी कभार आता है, अक्सर नहीं, क्योंकि फेडरल रिसर्च कमीशन में ये 3-4 दफा आ चुका है, क्योंकि आर्कटिक ओशन के अंदर है ही दो सीज, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आते हैं। द बेरेंट सी इज द मार्जिनल सी ऑफ आर्कटिक ओशन, ठीक है, लोकेटेड एट द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्वे, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्वे, क्योंकि ये रहा नॉर्वे और ये यहां तक नॉर्वे है, नॉर्वे के ऊपर है नॉर्थ में, नॉर्दर्न कोस्ट में। एंड रशिया, इसी तरह रशिया के भी नॉर्थ में है बेरेंट सी, एंड डिवाइडेड बिटवीन नॉर्वे एंड रशियन टेरिटोरियल वाटर्स। कह रहे हैं कि ये डिवाइड है नॉर्वे और रशियन टेरिटोरियल वाटर्स में, क्योंकि जिस भी मुल्क की जमीन लगेगी तो वो समुद्री जो हद होगी, बॉर्डर होगा, वो भी उसी का होगा। तो यहाँ से ये नॉर्वे की सरहद इसको लगती है और यहाँ से रशिया की। तो आपने बस इतना याद रखना है कि बेरेंट सी छोटा सी है आर्कटिक ओशन का, दो कंट्रीज की सरहदें इसको लगती हैं, रशिया और नॉर्वे की। देखिए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो फिनलैंड भी है, सर यहाँ पे स्विट्जरलैंड भी है। नहीं, हैं तो सही, यहाँ पे नक्शे में तो दिख रहे हैं, लेकिन इनकी जो लैंड मास है ना, वो इसको टच नहीं करती। वो टच इस वजह से नहीं करती क्योंकि ये नॉर्वे की समुद्री हद यहाँ से लेके यूं ऊपर तक है, ठीक है ना, ये फिनलैंड और स्वीडन की जमीन इस मतलब कोस्ट लाइन यहाँ पे नहीं है। इसी तरह ये पूरी रशिया की, ये सारा रशिया है ये, ठीक है ना, ये सारा रशिया है। वहां से तो ऊपर को छोड़ दे, वो तो यूएसए है जहाँ पे लाल आपको नजर आ रहा है। तो अब जहां पे ये शेडेड पार्ट है तो आपको दो ही कंट्रीज नजर आएंगे, उनकी सरहदें रशिया और नॉर्वे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, सॉरी सॉरी जी, उसके बाद आर्कटिक ओशन के अंदर दो तीन और सीज हैं जो आप इधर ही देख लें। एक तो है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कहाँ पे है, ग्रीनलैंड है जो ग्रीनलैंड आइलैंड था, आइलैंड था, पीछे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं, ये ग्रीनलैंड सी है, ग्रीनलैंड आइलैंड के साथ, नॉर्वेन सी है नॉर्वे के साथ, सही हो गया। दूसरा ये, अच्छा, रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे साइबेरिया कहा जाता है, रशिया की एक जगह है जिसे कहा जाता है साइबेरिया। वो मशहूर इस वजह से है कि साइबेरिया बहुत ठंडा होता है, और वो साइबेरिया रशिया के नॉर्थ में है मतलब ऊपर, और रशिया का जो पार्ट एशिया को लगता है ये वहां पे आता है सबसे पहली बात, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो पानी है नीचे, ये जस्ट इस सी को हम ईस्ट साइबेरिया सी कहते हैं। तो होप आपको ये भी अंदाजा हो रहा होगा कि इसको ईस्ट साइबेरिया सी कौन कौन से, बाकी तो छोटे मोटे बहुत हैं, बेरेंट सी तो हमें पढ़ लिया, यहाँ पे बका है ये सी आप देख लें, ये रहा आपका ग्रीनलैंड सी जो ग्रीनलैंड आइलैंड के साथ है, नॉर्वेन सी जो नॉर्वे के साथ है, ठीक है ना, साइबेरियन सी जो रशिया का जो साइबेरिया का पार्ट है यहाँ पे, ये नीचे उसके साथ है। तो ये है हमारे आर्कटिक ओशन के सीज।
जितने भी दुनिया में सीज हैं, पैसिफिक, इंडियन, एटलांटिक, आर्कटिक, इन सारे सीज के हमने, वो सारे ओशंस की हमने इंपॉर्टेंट सीज पढ़ लिए। एक आपका सी रह गया है, साउदर्न ओशन, ये आपका ओशन रह गया है जिसको कहते हैं साउदर्न ओशन। ये रहा साउदर्न ओशियन, एंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है बिल्कुल उसके साथ है। आपको पता है एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट बहुत सर्द है, वहां पे पॉपुलेशन बिल्कुल जीरो होने के बराबर है, और ये सारा साउदर्न ओशन जो है इस एंटार्कटिका ओशन के, एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के साथ लगता है। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट, कोई मुल्क वगैरह यहाँ पे नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वगैरह सी नहीं है कि जो दुनिया में किसी भी लिहाज से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और ना ही एग्जाम में साउदर्न ओशन से रिलेटेड कोई सी आता है। बकाया हमने अभी तक, आज तक पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और इंडियन ओशन के सीज हमने कवर कर लिए हैं। अच्छा, दो ऐसी सीज हैं जो बार बार रिपीटेड हैं एग्जाम, लेकिन ये कैटेगराइज नहीं है कि ये किस ओशन के अंदर है। अब हम वो पढ़ेंगे, वो दो कौन से हैं? ब्लैक सी। ब्लैक सी को ब्लैक सी बेटा इस वजह से कहा जाता है, एक तो इसका मौसम, और यहाँ पे आंधियां बहुत आती हैं, समुद्री आंधी और तूफान बहुत आते हैं, इस वजह से इसको हम ब्लैक सी कहते हैं सबसे पहले। दूसरा, ये ब्लैक सी आपको यूरोप और एशिया के बीच में मिलेगा। कहीं कहीं पे आप कहाँ जाएंगे तो आपको कहेंगे कि भाई ये ब्लैक सी एशिया का पार्ट है, कहीं पे आप कहीं जाएंगे तो बोलेंगे ये ब्लैक सी यूरोप का पार्ट है। बहरहाल ये ब्लैक सी जो है ये एशिया और यूरोप इन दोनों के बीच में है, ये रहा ब्लैक सी। अभी इस ब्लैक सी की इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि यहाँ पे दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनके दरमियान जंग चल रही है, एक है रशिया, ये रहा, एक है यूक्रेन। इन दोनों को ये ब्लैक सी टच करता है। और दूसरी एक ब्लैक सी की इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि रशिया और यूक्रेन और जितने भी यहाँ पे कंट्रीज हैं इसके साथ, वो अभी मैं आपको गिनवाऊंगा, इन सारों की जो ट्रेड है बेटा वो एक ब्लैक सी के जरिए, फिर हमने जो लास्ट में पढ़ा था लास्ट स्ट्रेट की क्लास में, कि यहाँ से तुर्की के साथ कुछ स्ट्रेट्स हैं जो इनको जाके मेडिटेरियन सी से मिलाते हैं। तो ये जितना भी ब्लैक सी आपको ये ऊपर नजर आ रहा है इस शेडेड के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी इसको इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे आंधी तूफान बहुत आते हैं। दूसरा, ये ब्लैक सी एशिया और यूरोप के बीच में है। तीसरा, अभी इसकी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, ये रहा रशिया, ये रहा यूक्रेन। ठीक हो गया बेटा? ठीक। तीसरा, ये इस ब्लैक सी के जरिए इन सारे कंट्रीज की ट्रेड जो है ना आगे मेडिटेरियन सी, ये रहा मेडिटेरियन सी, उससे पूरी दुनिया को पहुंच दिए। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो एक ब्लैक सी की सराउंडिंग में, और ये एमसीक्यूज एज इट इज आता है, आपने एज इट इज ये सारी चीजें याद रखनी, क्योंकि एमसीक्यूज आएगा व्हिच ऑफ द कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ अ ब्लैक सी, ठीक है ना। दूसरा आएगा कि व्हिच ऑफ द कंट्रीज आर पार्ट ऑफ अ ब्लैक सी, तो टर्की, बल्गारिया, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन और रोमानिया, ये कंट्रीज हैं सारे जो ब्लैक सी के सराउंडिंग में है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वर्ल्ड मैप की तरफ, और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्लैक सी कहाँ पे है और कंट्रीज कौन कौन सी। चलें जी, हम आ गए हैं वर्ल्ड मैप की तरफ। अब हमने लोकेट करना है ब्लैक सी, ये देखें, ये रहा ब्लैक सी, कहें तो और विजिबल करते हैं, ये रहा ब्लैक सी। ठीक हो गया? रबड़ को इरेज कर दें इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा ब्लैक सी। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये ब्लैक सी जो है ना, इसके नीचे तो ये पूरा एशिया है, ऊपर है पूरा यूरोप, तो इन दोनों के बीच में। दूसरा, मैंने आपको ये चीज बतानी थी, इस ब्लैक सी को, इस ब्लैक सी को आप थोड़ा नोट करेंगे ना जूम करके, इस ब्लैक सी से यहां से पतली पानी की गली निकलती है, बॉस्पोरस स्ट्रेट, जो इसको आगे जाके मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है।
तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक सी के साइड में जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए ये ब्लैक सी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी पूरी ट्रेड ही यहाँ पे है। एक तो ये आप चीज क्लियर करें। दूसरा, अब आ जाते हैं कि ब्लैक सी कहाँ पे है। तो ब्लैक सी है यहाँ पे, ओ बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है क्या? ठीक हो गया। अब इस ब्लैक सी के इर्द गिर्द कौन कौन से कंट्रीज हैं? ऊपर आपको मिलेगा रशिया, यहाँ पे यूक्रेन, नीचे तुर्की, बाकी तीन चार और कंट्रीज हैं, ये मैं दूसरी स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। ये तीनों कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन की तो जंग चल रही है, ठीक है ना? तो नक्शे में हमने इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा जी, बाकी कौन कौन से कंट्रीज हैं? बाकी यहाँ पे ये रहा रोमानिया, ठीक है, यूक्रेन, रशिया, मोलदोव, ये एशिया का पार्ट है, टर्की, यहाँ पे आपको ग्रीस मिलेगा और यहाँ पे बल्गारिया मिलेगा और यहाँ पे ये छोटा सा जॉर्जिया मिलेगा, जहां जहां पे ये इन सारे कंट्रीज की ये सराउंडिंग में है ब्लैक सी। बस आपने बस ये याद रखना है कि कंट्रीज कौन कौन से हैं, ये रहे वो कंट्रीज, इनको तो आपने रट्टा मार लेना है क्योंकि ये एमसीक्यूज बार बार आता है ना, बल्गारिया, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, ब्लैक सी, वैसे इन लोगों के बीच में। इट सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड यूरोप, यूरोप को एशिया से ये सेपरेट करता है। ब्लैक सी इसको क्यों कहा जाता है ये मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। एक ऐसी लेक है, ये है कैस्पियन सी, लेकिन ये कैस्पियन सी नहीं है, ये है लेक, नाम इसका सी है, ठीक है? कैस्पियन ये लेक है, झील है, इसको सी हम इस वजह से बोलते हैं, आपको पता है कि समुन्दर का पानी जो है ना वो खारा होता है, नमकीन होता है। ये दुनिया की एक ऐसी लेक है जो लेक भी नमकीन है, इस वजह से हमने कहा है कि इसका नाम दे दो इसको कैस्पियन सी। बेसिकली ये है लेक, ठीक है ना? तो ये एज इट इज एमसीक्यूज भी आता है, ठीक है ना? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक, इसमें ये नाम दिए होंगे। तो अगर आ जाए कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी रिमेम्बर इट इज अ लेक बट साल्टिश लेक, इस वजह से हम इसको सी कहते हैं। दूसरा आपने ये याद रखना है कि कैस्पियन सी के सराउंडिंग में कौन कौन से कंट्रीज हैं। कैस्पियन सी के सराउंडिंग में आपको मिलेंगे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, आजरबैजान और रशिया। ये भी इसी तरह हमने एज इट इज याद रखने हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज आएगा कि कैस्पियन सी के इर्द गिर्द कौन कौन से कंट्रीज हैं। ये सारे कंट्रीज, रिमेम्बर उज़्बेकिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कैस्पियन सी, कैस्पियन सी को उज़्बेकिस्तान नहीं लगता, ठीक है ना? ये सारी चीजें लगती हैं। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान एंड रशिया, तो ये तीन चार कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी को लगते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि ये लेक है, सी नहीं है, इसका नाम सी है लेकिन ये है झील क्योंकि ये नमकीन है, ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह कि ये जितनी भी स्लाइड्स हैं, 39 स्लाइड्स, आपके सीज के एमसीक्यूज और ओशन से रिलेटेड एमसीक्यूज इस स्लाइड से बाहर नहीं है। वैसे तो दुनिया में सीज बहुत हैं, लेकिन एमसीक्यूज और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट थे ये मैंने आप सब लोगों को पढ़ा दिए हैं इन चारों ओशन के। बेसिकली ओशन तो पांच है लेकिन इन चार ओशन में सीज हैं, इस वजह से मैंने पढ़ाए हैं। अच्छा, अब तक जितने भी इन सीज या ओशन से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्या चीज है, तो वो आप मुझे